हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन के में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी वाली, जो होती है ना पानी वाली सेवियाँ, वही बस वही बनाने जा रहे हैं। इसमें दूध की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप जब भी चाहें इसे बना सकते हैं। बच्चों ने अगर एक बार खा लिया ना, तो आप देखेंगे कि बच्चे तो यही कहेंगे, हमें तो बस ऐसे ही चाहिए, दूध वाली बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने ली है पतली वाली जो होती है ना सेवियाँ, बस वही मैंने ले ली है। ये है ग्राम में है ये 150 ग्राम। तो हम इसे तोड़ लेंगे। ये देखिए, बड़े आराम से तोड़ना, नहीं तो पूरा किचन आपका जो है ना इससे भर जाएगा। मैंने भी बहुत ही आराम से तोड़ी थी, लेकिन फिर भी मेरे किचन में सारी सेवियाँ फैल गई थी। ये देखिए, कितने आराम आराम से तोड़ रही हूँ। बस इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिए, छोटा छोटा हमें इसे कर देना है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी होती है ना ये। तो चलिए, हमारी सेवियाँ टूट गई हैं। अब ये दोस्तों है वजन में 150 ग्राम, पर हम इससे मेजरमेंट करेंगे अपनी कटोरी से। ये जो हमारी सेवियाँ ना, ये मेरी इस कटोरी के हिसाब से 3 कटोरी थी दोस्तों। तो इसी के साथ हम जो है पानी भी ऐसे ही मेजरमेंट करेंगे कटोरी के हिसाब से। जितनी हमारी सेवियाँ होंगी उतना ही हमें पानी लेंगे। तो दोस्तों, अब मैंने लिए है कढ़ाई, उसके अंदर मैं 2 चम्मच भर कर जो है देसी घी डालूंगी। देसी घी में बनी सेवियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। मैंने कुछ काजू बादाम लिए हैं, अब मैं इसको इसमें रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा हमारा घी जो है गर्म हो जाए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ले सकते हैं, आपकी अपनी पसंद का। तो मैंने इसमें लिया है काजू और बादाम, उसे मैंने आधा आधा कर लिया था। 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 ही बादाम ले लिए थे। अब 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से तल लेंगे घी के अंदर। बस ज़्यादा हमें तलना नहीं है, बस फटाफट से हम इसे निकाल लेंगे। मैंने सारे काजू बादाम अपने निकाल लिए हैं। बस इसी घी के अंदर हमें क्या करना है, अपनी जो सेवैयाँ बस हम उसे इसमें डाल देंगे। अब मैं इसे हिला लूँगी दोस्तों। अब ये स्पैचुला से तो हिल नहीं रहा, तो मैंने क्या किया था कि बस चम्मच ले लिया, फिर मैंने इसे आराम से हिला लिया। अब ये बड़े ही आराम से हिल रही है, क्योंकि बहुत ही ड्राई होती है ना, बहुत पतली पतली होती है, तो हिलती नहीं है। देखिए कितनी मैंने कोशिश की, पर इससे हिल ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर 1 चम्मच लिया और इससे आराम से हिलने लगी। और हम इसे तब तक हम इसे चलाएंगे जब तक कि इसका कलर जो है ब्राउन ना हो जाए। अभी थोड़ी सी वाइट आपको नज़र आ रही है, जब तक ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन सी हो जाएगी ना, तब तक हम इसे तल लेंगे। 4 से 5 मिनट हमें लग जाएंगे दोस्तों इसको तलने में। अब देखिए, धीरे धीरे इसका कलर जो है चेंज होता जा रहा है। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, नहीं तो फिर ये जल जाएगी नीचे से। बस दोस्तों, हो चुकी है हमारी सेवियाँ। अब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। हम इसे उतार के फटाफट से हम एक प्लेट में डाल लेंगे, ताकि इसका कलर और ज़्यादा ना चेंज हो जाए, नीचे से जल ना जाए। अब ये ठंडी होने के लिए हम इसको रख देते हैं। तब तक हम अपनी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कटोरी मैंने भरकर चीनी के ले लिए। आप मीठा अपने हिसाब से ही लीजिएगा। जितनी हमारी सेवियाँ थी उससे थोड़ा सा कम मैंने पानी ले लिया था, या आप चाहें तो जितनी सेवियाँ उतना ही पानी ले लीजिए। अब 3 कटोरी मैंने पानी के ले लिए है, और इसको हिलाऊंगी थोड़ा सा। अभी गैस की फ्लेम हमारी तेज़ ही रहेगी, हमें इसमें कोई तार नहीं बनानी है, बस चीनी घुलने तक हमें इसे पकाना है। 4 से 5 मैंने इलायचियाँ ली है, इसके मैंने दाने डाले हैं। इलायची का पाउडर नहीं हमें इसमें डालेंगे, हम इसमें दाने ही डालेंगे, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। हम चीनी घुलने तक इसको हिलाते रहेंगे, हमें कोई इसकी तार वार नहीं बनानी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर डाला है, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा, इससे इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 बूंदे ही हमें इसे डालनी है, नहीं तो ये कड़वा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हिला लेंगे हम, बस अच्छे से उबाल आ जाए। फिर हमने क्या किया है कि इसमें जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारी चाशनी का कलर आ गया। अब बस इतना ही हमें इसे पकाना है। जो हमारी सेवियाँ थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, अब हम इसे पकने देंगे आराम से। ये देखिए, पानी धीरे धीरे से सूखने लगा है, कितना अच्छा हमारे सेवियों के अंदर कलर आ चुका है। तो दोस्तों, जब तक कि हमारी सेवियाँ बन रही है, आप कर दीजिए एक ज़रूरी काम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये देखिए दोस्तों, सेवियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं, इसका पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा है। तो हमारी सेवियाँ बनकर हो गई तैयार। थोड़ा सा हम इसमें पानी रखेंगे, ताकि हम ज़्यादा सूखने नहीं देंगे इसको, थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी चमक रही है, एक एक दाना हमारा सेवियों का खिला खिला सा है। हम प्लेटिंग कर लेंगे इसकी। दोस्तों, जितनी अच्छी देखने में लग रही है, उतनी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही खाने में बहुत ही सॉफ्ट होती है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।